हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंटेक टिप्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल के कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पर ओपन करना है गूगल, और गूगल की को ओपन करने के बाद आपको इसकी सेटिंग्स पर जाना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च सेटिंग, सर्च सेटिंग पर आपको ऑटो प्रेडिक्शन को बंद कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो प्रेडिक्शन, मैं आपको बता देता हूँ आप कहाँ से उसे बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेवर शो इंस्टेंट रिजल्ट, आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है, इस रेडियो बटन पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव करने के बाद आपका गूगल फिर से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको टाइप करना, अगर आप अपने गूगल पर पैकमैन गेम को ओपन करना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ टाइप कर देना है पैकमैन डूडल, और उसके बाद आपको आई एम फीलिंग लकी बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं, आपका जो पैकमैन गेम है ये यहाँ पर ओपन हो जाता है, और उसके बाद आप इसे आसानी से प्ले कर सकते हैं, इसे खेल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, एंड मैं इस पर इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा पैकमैन। अगर आप पैकमैन गेम अपने गूगल पर ओपन करना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं पैकमैन, तो आप इसे प्ले कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका गूगल पूरी तरीके से एकदम घूमता हुआ नज़र आए, यानी कि रोल करता हुआ नज़र आए, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है डू ए बैरल रोल, एंड उसके बाद आपको आई एम फीलिंग लकी बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गूगल जो है वो पूरा का पूरा घूम कर आया है, और इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे मिरर करना चाहते हैं, अंडर वाटर ग्रेविटी, अगर आप इसको मिरर में देखना चाहते हैं, तो आप इसे मिरर में देख सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा गूगल आपका उल्टा लिखा हुआ नज़र आएगा, आपका जो सर्च बटन है वो भी उल्टा नज़र आएगी, एंड आई एम फीलिंग लकी जो लिखा हुआ है वो भी उल्टा ही लिखा हुआ नज़र आएगा। एंड यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप गूगल को पानी के अंदर देखना चाहते हैं, पानी में तैरते हुए देखना चाहते हैं, तो आप अंडर वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही अंडर वाटर बटन पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा गूगल पानी के अंदर नज़र आएगा। एंड अगर आप ग्रेविटी में देखना चाहते हैं, यानी कि आपका गूगल गिरता हुआ नज़र आए, तो आप उसे ग्रेविटी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा बच्चे आ चुका है, और अगर आपको इस पर कोई सर्च करना है तो आप यहाँ पर सर्च बटन मिल जाती है, एंड उसके बाद आपको सर्च की बटन को ढूंढना है, और यहाँ पर आपको गूगल सर्च मिल जाएगा, फीलिंग आई एम फीलिंग लकी मिल जाएगा। अगर आप इसके टर्मिनल को ओपन करना चाहते हैं, तो आप इसके टर्मिनल को भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से तो देख सकते हैं कि यहाँ पर डाटाबेस ओपन हो चुका है। एंड अगर आपको अपने गूगल पर गिटार बजानी है, तो आप यहाँ से इसे बजा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा गिटार है, आप इसे प्ले कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कोई स्नेक गेम खेलना चाहते हैं, यानी कि सांप वाला गेम, जैसा कि आपके पास अगर नोकिया मोबाइल रहा होगा पुराने ज़माने में, तो आपने स्नेक गेम को ज़रूर खेला होगा। अगर आप इससे खेलना चाहते हैं, तो आपको स्नेक गेम पर जाना है, और यहां से आप इसे प्ले कर सकते हैं। एंड अगर आप इसे फिर से प्ले करना है, तो आप इसे प्ले कर सकते हैं, और प्ले करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ तो स्नेक गेम, आप इसे भी गूगल पर प्ले कर सकते हैं। और अगर आप गूगल को टिल्ट करता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है टिल्ट, एंड उसके बाद आपको आई एम फीलिंग लकी बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गूगल टिल्ट करता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर आपको किसी वर्ड को ब्लिंक कराना है, जैसे कि यहाँ पर हम टाइप करते हैं ब्लिंक, और इसको अगर आप सर्च करेंगे, तो जो ब्लिंक लिखा हुआ नज़र आएगा पूरा ब्लिंक करता हुआ दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लिंक, एंड यहाँ पर ब्लिंक, तो सर्च रिजल्ट में जहाँ भी ब्लिंक लिखा हुआ नज़र आएगा, आपको ये ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा ये वर्ड। अगर आप गूगल पर बैरल रोल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले टाइप करना है जर्ज रस डू ए बैरल रोल, एंड उसके बाद आई एम फीलिंग लकी बटन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें टाइप करके बस आपको आई एम फीलिंग लकी बटन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैरल रोल चालू हो चुका है, और ये जो जितने भी सर्च रिजल्ट्स हैं, इनको ये धीरे धीरे ख़त्म करता जाएगा, ये यहाँ से हिडन होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप गूगल से थोड़ा सा मज़ा ले सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं, मेरे ख्याल से, अगर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर आप आसमान के तारे देखना चाहते हैं अपने गूगल पर, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है com/sky, एंड उसके बाद आई एम फीलिंग लकी बटन पर आपको क्लिक करना है।
एम फीलिंग लकी बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, और यहाँ पर आप अगर कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। ये बिल्कुल ब्लैक विंडो है और इस पर कुछ तारे नज़र आएंगे आपको, एंड यहाँ से आप अपनी गैलेक्सी का मज़ा ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसे जूम आउट या फिर जूम इन करना चाहते हैं तो आप जूम आउट एंड जूम इन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गूगल के कुछ ट्रिक्स, एंड मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता रहूँ और आपको नई नई चीज़ों के बारे में बताता रहूँ। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और देखते रहिए हमारी बाकी वीडियोज़, और सीखते रहिए नई नई चीज़ें।